मैं बना रही हूँ ये टिकिया, आलू की टिकिया और भोग लगाने के लिए। तो अभी तो पहले थोड़ी सी बना रही हूँ, फिर बाकी सारी बातें बनाऊंगी क्योंकि अभी भोग लगाना है इसीलिए। तो ये आलू की आलू साबूदाना की टिकिया बन रही है और यहाँ पर बनाई है साबूदाना की खिचड़ी। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर साबूदाना की जो खिचड़ी बनी है। तो ये हमारी साबूदाना की खिचड़ी मैंने बना के रखी है, ये भी भोग में जाएगी। ये टिकिया फ्राई हो रही है, ये भी भोग में जाएगी। तो चलिए पहले फटाफट से भोग बनाते हैं और फिर करेंगे पूजा आरती माता जी की। तो चल, क्योंकि है ना मैं आती हूँ जॉब से, बहुत ज्यादा लेट हो जाता है मेरे को। आज मैं आई हूँ 5 बजे क्योंकि कल संडे है ना, तो पेरेंट्स मीटिंग रखी है हम लोगों की, तो कल भी जाना है उसी टाइम पर। तो आज डेकोरेशन में इतना टाइम लग गया तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी मैं। घर आते से ही तो 5:30 बज गए थे और आने के बाद में फिर सारा सब कुछ करना तो टाइम तो लगता है, इसलिए फटाफट से कर लेती हूँ। फिर करेंगे पूजा आरती और उसके बाद में फिर आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ टिकिया बन के हो गई रेडी, तो टिकिया मैंने बना ली है और ये बन रहा है एप्पल का हलवा यानी सेब का। तो सेब और नारियल मैंने कैसे बनाया है, घी गरम रखा है और घी गरम रखने के बाद में इसमें मैंने ऐड किया है जो नारियल होता है ना ताज़ा वाला, वो नारियल, और उसके अलावा जो हमारा सेब होता है यानी एप्पल होता है उसको कस लिया है और कस के फिर इसमें डाल दिया है। तो ये तीनों चीज़ें हैं। अगर आपको थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करना है तो आप दूध भी ऐड कर सकते हो, और अगर दूध इसमें ऐड नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी बस इसमें चीनी ऐड कर दो, और ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर दो, और आपका जो एप्पल का हलवा है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको फटाफट से बनाती हूँ। यहाँ पर देखिए चीनी मैंने ऐड कर दी है, तो बस ये चीनी थोड़ी सी इसमें पक जाए इसके बाद इसको आप बंद कर दो और आपका एप्पल का हलवा या सेब का जो हलवा है वो रेडी है। बोलो। ये हो गया है मेरा माता जी का भोग तैयार। इसमें है एप्पल का हलवा, साबूदाना खिचड़ी, टिकिया और ये है एक फल। तो चलिए अब भोग लगाते हैं माता जी को जल्दी से।